ठीक है सर। हेलो जी, यहाँ से मेरे पैसे कहाँ चले गए? सर मुझे क्या पता कहाँ चले गए। तू यहाँ पर क्या कर रही थी खड़ी होकर? मैं तो ऑर्डर लेने आई थी सर। ऑर्डर लेने आई थी? यहाँ पर किस तरीके का ऑर्डर ले रही है? ना तेरे यहाँ पे प्लेट है, ना तेरे यहाँ पे मेन्यू कार्ड है, ना तेरे यहाँ पे कुछ है, और तू यहाँ ऑर्डर लेने आई है? चुपचाप बता दे यहाँ से मेरे पैसे कहाँ गए। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? मैं चोर थोड़ी ना हूँ जो चोरी करूंगी। आप ही खामखा इल्जाम लगाना बंद करिए। आपके पैसे आपको बताऊंगा, आप लेके नहीं आए होंगे या फिर आपने कहीं दे दिए होंगे किसी को। मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ? यहाँ पर मैं अभी आया था, यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए रखे हुए थे पूरे के पूरे। तेरे आने के बाद ना यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं है, सारे के सारे पैसे गायब हो गए। मेरा शक ना तेरे ऊपर जा रहा है। चुपचाप बता दे यहाँ से मेरे पैसे कहाँ गए। सर ऐसे सिर्फ शक करके भी आप पे ना आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। पैसे कैसे शक कर सकते हो आप मेरे ऊपर? मैं यहाँ काम करती हूँ, बहुत टाइम से काम करती हूँ। पैसे आप लेके ही नहीं आए होंगे, आपको गलत फहमी हुई है। फिर यहाँ पैसे रखे होते तो यही होते ना, और अगर किसी ने चोरी किया होती तो इतने सारे लोग किसी ने देख ही लिया होता। और हमारे रेस्टोरेंट में ना चोरियाँ नहीं होती है। तू क्या बोल रही है? पुलिस वाले शक करते हैं, सब उसी के ऊपर करते हैं जो गलत होता है। तो मेरी नजरों में तू मुझे गलत दिखाई दे रही है। चुपचाप बता दे मेरे पैसे कहाँ गए। सर देखिए, ये ज्यादा बहसबाजी करके और चीख के चिल्ला के ना आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। मुझे लगता है ना आप बिना मतलब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पैसे अपने पास रख लिए होंगे। आप मुझसे पैसे ऐड के ना पुलिस स्टेशन में जमा करना चाहते हैं। अच्छा, मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? ठीक है, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मैं ना यहाँ के मैनेजर से बात करूंगा, उसी को बताऊंगा किस तरीके की चोरियां होती है इसके रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा। अगर मैंने बंद नहीं करवा दिया ना तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर मार्टिन पंडित नहीं। कुछ जो करवाना है आप करवा लीजिएगा, फिलहाल मैनेजर यहाँ नहीं है। जब वो आएंगे आप उनसे बात कर लेना, मेरी तरफ से अंदर ही ताले लगा देना, सबको अंदर ही बंद कर देना। तो आप ही आप मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, अभी आप यहाँ से जाइए, मैनेजर कल आएंगे, आप कल आना। अच्छा, मैनेजर नहीं है तो यहाँ पर सीसीटीवी तो लगी होंगी ना, उसकी फुटेज दिखा मुझे अभी। अभी मैनेजर सीसीटीवी ठीक करवाने ही गए हुए हैं बाहर। हाँ तब आना आप। वो क्या हुआ? वो सर भी ना मतलब हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे 5 लाख रुपए यहाँ से चोरी हो गए, मैनेजर बुलाओ, सीसीटीवी चेक करवा। मैनेजर सर को क्यों बुलाना है? 5 लाख रुपए तो तुमने लिए, तो दे दो सर को, बात ही खत्म। क्या इसने लिए मेरे पैसे? तुम्हें कैसे पता चला इसने मेरे पैसे लिए? मैं इसी के ऊपर पहले भी शक कर रहा था कि पैसे इसी ने लिए होंगे, पर इसने पैसे रखे कहाँ है मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या बक रहे हो तुम। ये करके मत दिखा, और वेटर होंगे जो ऐसे करके तू दिखाती होगी वो मान जाते होंगे। मैं नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये होते हुए ना सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। सर के पैसे तूने कितनी चालाकी से चुराए हैं। सर ये देखिए, ये जो चेस्ट पे लगा रखा है ना, इसी में तुम्हारे पैसे हैं। इसके अंदर ना वो है, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं बोलना, लुटिया जैसा। लुटिया जैसा, लुटिया डूब गई तेरी तो, चल निकाल के दे पैसे फटाफट। अरे दे ना। अरे इसने तो नोट लटका रखे हैं और नोटों के अंदर ही पैसे छिपा रखे हैं। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी बड़ी साते चोर नहीं है? मुझे तो ये लगता है ये चोर नहीं है, वेटर वेटर कुछ नहीं है। ये यहाँ पर सबूत के पैसे गायब कर दिए। तुझे ना मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे ना थाने ले जाके ना लेडी कॉन्स्टेबल इतने डंडे लगाऊंगा तू ना सबूत मिटाना बंद कर देगी। अरे सबूत मिटाना क्या बंद करेगी, किसी की भी चोरी करना बंद कर देगी। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनो, बोलने जा रहे हो सुनते हो नहीं हो। सर ये ना बहुत दिन से ऐसे ही करती आ रही है, और जो इसकी बात नहीं मानता ना वेटर, ये उसे ना काम से निकलवा देती है, क्योंकि मैनेजर सर ना इससे लगे हुए हैं। और आप ना इसे थाने में लेके जाएंगे और इसको जेल भेजना। अच्छा, इसका मतलब इस काम में इसका मैनेजर भी शामिल है? नहीं, मैनेजर शामिल नहीं है, मैनेजर को पटा रखा है इसने, जो बोलती है वही करते हैं वो। हाँ तो ठीक है ना, अब इसको तो मैं थाने ले जाऊंगा, उसकी भी रिमांड लगवाऊंगा तेरे मैनेजर की। वो इससे लगा पड़ा है ना, उसको ना मैं झूठे केस में ना इसका रेस्टोरेंट बंद करा दूंगा। सर उसका रेस्टोरेंट तो नहीं है, मैनेजर अलग होता है, रेस्टोरेंट का मालिक अलग होता है। कैसे सर पुलिस वाले बन गए तुम? हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, उस मैनेजर को भी निकलवा दूंगा नौकरी से, ये तो सही है ना। अब तू चले यहाँ से, वही बात करूंगा थाने में, चले यहाँ से। अरे सर ने बोली चल ना।